स्टूडेंट्स टॉपिक है नॉन रोमन न्यूमरल्स। ठीक है, क्या है? रोमन न्यूमरल्स, आर ओ एम ए एन, रोमन एन यू एम ई आर ए एल एस, रोमन न्यूमरल्स। सब्जेक्ट क्या है? मैथ, एस यू बी जे ई सी टी। सब्जेक्ट क्या है? मैथ्स है, एम ए टी ए एम ए सॉरी एम ए टी एच एस। सब्जेक्ट क्या है? मैथ्स, एम ए टी एच एस। सब्जेक्ट क्या है? मैथ्स। इसके पहले वाले क्लास में कुछ बताए थे, रूल्स फोर बताए थे, रूल्स वन टू थ्री फोर, चार रूल्स बताए थे जिसमें रोमन न्यूमरल्स लिखने का बताए थे, कैसे लिखा जाता है। ठीक है, बताए थे ना? कितने बताए थे? चार बताए थे। जैसे रोमन न्यूमरल्स कैसे होता है, क्या क्या याद करना है और किस बात को ध्यान में रखना है, ये सारे बात को इसके पहले वाले क्लास में बताए थे और तुम लोग कुछ समझे भी थे। देखो क्या है, आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? राइट द, क्या है? राइट द डब्ल्यू आर आई टी ई, राइट द ई एस ई, राइट द नंबर्स एन यू एम बी ई आर एस, राइट द नंबर्स इन आई एन इन हिंदू हिंदू, एच आई एन डी यू एच आई एन डी यू हिंदू, अरबिक ए आर ए बी आई सी, अरबिक नोटेशन एन ओ टी ए टी आई ओ एन हिंदू, अरबिक नोटेशन। क्या लिखा हुआ है? राइट द नंबर्स इन हिंदू अरबिक नोटेशन। फर्स्ट में क्या है, ध्यान दो, क्वेश्चन एग्जांपल वन, ये एग्जांपल क्या है, ये सभी लोग समझेंगे ध्यान से। एक तरफ मान लीजिए ये क्या है, रोमन न्यूमरल्स है। क्या है? रोमन न्यूमरल्स, आर ओ एम ए एन, रोमन न्यूमरल्स एन यू एन यू एम ई आर ए एल एस। क्या है? रोमन न्यूमरल्स। और नीचे क्या है, हिंदू एच आई एन डी यू हिंदू, अरबिक ए आर ए बी आई सी हिंदू, अरबिक नोटेशंस हिंदू अरबिक नोटेशंस एन ओ टी ए टी आई ओ एन एस हिंदू अरबिक नोटेशंस। ठीक है, इसको बॉक्स बना देंगे, बॉक्स की तरह। ठीक है ना, कुछ प्रॉब्लम तो यहाँ तक नहीं है किसी को, नहीं ना? क्या कर दिए इसको, बॉक्स बना दिए। ठीक है, इसको बीच में क्या कर देंगे, रोमन न्यूमरल्स को एक अलग पार्ट में करेंगे और इसको ये करेंगे। ठीक है, ये हो गया, इसके बाद ये हो गया, इसके बाद ये हो गया, इसके बाद ये, इसके बाद ये और इसके बाद ये। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। जैसे क्या है, आई भी है, ठीक है, वी आई है, क्या है, वी आई, ठीक है, उसके बाद एक्स है, ठीक है, इसके बाद डबल एक्स है, ठीक है, इसके बाद क्या है, डबल एक्स भी है, इसके बाद एल है। ठीक है ना, क्या है, एल है। इसके पहले भी याद करने के लिए बताया था कि सभी को याद करना है, क्या याद करना है, कुछ बातें जो दिए बताए थे रूल्स में वो याद करके आना है बाबू, तभी आगे बनेगा, यही बताया था ना। सबसे फर्स्ट में क्या बताया था, रोमन न्यूमरल्स क्या होता है, रोमन न्यूमरल्स को सिंबल्स की सहायता से लिखा जाता है, ये चीज बताया था सभी लोगों को। जैसे देखो क्या, राइट द नंबर्स इन हिंदू अरबिक नोटेशन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, सभी लोगों को बताया था कि बताओ भी का मतलब क्या होता है, भी क्या होता है, भी किसको किसका सिंबल होता है, एक्स किसका होता है, डबल एक्स किसका होता है, ट्रिपल एक्स किसका होता है, बताया था नहीं सारे बातें। ध्यान दो क्या है, रोमन न्यूमरल्स है आई भी, चलो बोल रहे थे कि भी का मतलब क्या होता है, फाइव होता है, ये भी बताया थे रूल से बताए थे, यदि लास्ट वाला यानी अनदर पार्ट्स ग्रेटर रहे किससे, फर्स्ट वाला रहे, उसमें क्या कर देंगे, अनदर पार्ट्स वाले फर्स्ट वाले पार्ट्स वाले को हटा देंगे यानी सबट्रैक्ट कर देंगे, क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। तो ऐसे भी याद है तो बहुत अच्छा है, ऐसे भी यदि याद है कि आई भी का मतलब क्या होता है, यदि पूछेंगे कोई पूछ रहे कि बताओ आई भी का मतलब क्या होता है, तो आई भी का मतलब फोर होता है। ठीक है, अगर नहीं पता है तो हम कैसे बताएंगे, जो रूल्स बताए थे उसके अनुसार भी हो सकता है, हो सकता है ना कि नहीं हो सकता है। जैसे देखो भी का क्या होता है, भी का मतलब फाइव होता है, और इसके पहले स्मॉलर है ना बाबू, तो स्मॉलर रूल से बताया, यदि स्मॉलर है तो बीच में क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट करके जितना आएगा इसको इक्वल टू कर देंगे। ठीक है, तो भी का मतलब क्या होता है, फाइव होता है, तो यहाँ फाइव हो गया ना, और आई का मतलब वन होता है, तो फाइव माइनस वन करोगे तो कितना हो जाएगा, फोर हो जाएगा। कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं ना, किसी को प्रॉब्लम, कोई किसी को समझने में दिक्कत, अगर ऐसे ही जानता है कि आई भी का मतलब सर फोर होता है तो बस तुरंत लिख देना है कि फोर होता है। ठीक है, क्योंकि इसके पहले वाले क्लास में सारा चीज बताए थे ना बाबू,
आगे देखो क्या है, V I है, V I बोले थे फर्स्ट वाला पार्ट से यदि ग्रेटर है और सेकेंड वाला क्या रहे स्मॉलर है तो क्या करते हैं ऐड करते हैं सम करते हैं, जितना सम करके आएगा इक्वल करके उतना लिख देंगे, ठीक है। V का मतलब क्या बताया था, फाइव होता है, बताया था ना फाइव, और इसके बाद क्या है स्मॉलर है, तो इसको क्या बोले थे एडिशन करने के लिए बोले थे एडिशन करने के लिए, एडिशन फाइव और वन कितना होता है ये भी बताया था कि आई का मतलब क्या होता है, जैसे तुम जानते हो कि वी का मतलब फाइव होता है और आई का मतलब वन होता है, तो फाइव और वन कितना हो जाएगा सिक्स हो जाएगा, तो बच्चा क्लास में पढ़ा होगा कि बताओ फाइव और वन कितना होता है, तो फिंगर्स पे करते थे वन टू थ्री फोर फाइव हो गया, एक और वन हो गया तो कितना हो गया सिक्स हो गया, ये तो जानते हो ना, तो वी का मतलब फाइव और लास्ट वाला क्या है स्मॉलर है, तो दोनों को सम कर देंगे तो फाइव और वन कितना होता है सिक्स होता है। यहां तक किसी को प्रॉब्लम बाबू, किसी को दिक्कत है नहीं ना, किसी को प्रॉब्लम है तो बोल सकता है कि सर मुझे नहीं आ रहा है, ठीक है ठीक, सभी लोग याद किया है ना। आगे देखो क्या है, ये एक्स है, एक्स बताए थे एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स का मतलब क्या बताए थे टेन, ठीक है बाबू, एक्स का मतलब क्या होता है टेन होता है, क्या होता है टेन, यहां तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है, एक्स का मतलब टेन होता ही है, होता है ना। आगे देखो क्या है, डबल एक्स है, एक्स का मतलब क्या होता है टेन, तो डबल एक्स का मतलब क्या हो जाएगा टेन प्लस टेन कर सकते हो ना, तो कितना हो जाएगा ट्वेंटी ना, ठीक है। यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं ना, कुछ बोलो। आगे देखो एल सॉरी एक्स भी, तो एक्स का वैल्यू कितना होता है, एक्स का वैल्यू टेन होता है, तुम सभी लोग जानते हो कि एक्स का वैल्यू टेन होता है, और वी का वैल्यू कितना होता है फाइव होता है, इसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, किसी को प्रॉब्लम है नहीं ना, तो एक्स का वैल्यू टेन और वी का वैल्यू फाइव, तो टेन प्लस फाइव करोगे तो कितना हो जाएगा फिफ्टीन, टेन प्लस फाइव कितना हो जाएगा फिफ्टीन हो जाएगा, इसमें क्या लिख देंगे फिफ्टीन लिख देंगे, वन और फाइव, किसी को दिक्कत नहीं ना, यहां तक किसी को प्रॉब्लम, यदि प्रॉब्लम है तो फिर से देखो एक्स है और वी है, एक्स का वैल्यू कितना होता है तुम सभी लोग जानते हो कि एक्स का वैल्यू सर आप बताए थे ना कि एक्स का वैल्यू कितना होता है, तो टेन होता है, एक्स का वैल्यू टेन होता है, टेन लास्ट वाला क्या है वी है यानी फाइव है, वी का वैल्यू कितना बताए हैं फाइव बताए हैं, तो टेन और फाइव कितना होता है बाबू फिफ्टीन होता है, तो फिफ्टीन लिख दिए, यहां तक किसी को प्रॉब्लम। और तुम सभी लोग जानते हो कि एल का मतलब क्या होता है, जानते हो ना फिफ्टी, ठीक है गुड, एल का मतलब फिफ्टी होता है, इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हुआ होगा, यदि किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है कि सर मुझे प्रॉब्लम है, ठीक है किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, एक और देखो एग्जांपल अच्छा से समझो, जहां समझने में किसी को प्रॉब्लम है वहां पूछो सर मुझे प्रॉब्लम है मुझे नहीं आ रहा है, फिर से बताऊंगा अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है तब मैं पता चलेगा तुम समझ रहे हो या नहीं समझ रहे, कैसे पता चलेगा आपको, कैसे मालूम चलेगा कि तुम समझ रहे हो या नहीं समझ रहे, बोलोगे तभी तो पता चलेगा। आगे जो क्या है फर्स्ट एग्जाम्पल में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, यदि किसी का दिक्कत भी है किसी का प्रॉब्लम भी है तो सेकेंड एग्जाम्पल देखो, ठीक है क्या देखो सेकेंड एग्जाम्पल देखो, सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, ठीक है इसमें भी क्या लिखेंगे रोमन आर ओ एम ए एन रोमन न्यूमरल्स, क्या लिखा हुआ न्यूमरल्स एन यू एम ई आर ए एल एस न्यूमरल्स हो गया, और क्या नीचे हिंदू एच आई एन डी यू हिंदू, क्या है अरबिक ए आर ए बी आई सी अरबिक नोटेशंस एन ओ टी ए टी आई ओ एन एस नोटेशंस, क्या बोले बॉक्स बनाने के लिए ना, सबसे पहले क्या कर देंगे बॉक्स बना लेंगे ऐसे बना लिए, आगे देखो इसको ऐसे कर लेंगे ना, अभी तक कुछ नहीं किए, और बीच में ये क्या बना लेंगे, ठीक है जैसे देखो क्या है ये मान लिया जाए डबल एक्स और भी है, क्या है डबल एक्स 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 भी है डबल एक्स भी, ठीक है ये है आई भी, ठीक ये क्या है एक्स आई एक्स है, ठीक है क्या है एक्स आई एक्स है, यहाँ है एल भी है, क्या है एल भी, यहाँ सी है, ठीक है यहाँ सी एक्स है, क्या है सी एक्स है। चलो ध्यान दो क्या है, सबसे पहले बताया थे ये क्या है रोमन न्यूमरल्स में है डबल एक्स भी है, इसको तो पढ़ने में किसी को प्रॉब्लम नहीं है नहीं ना, डबल एक्स भी आई भी एक्स आई एक्स एल भी सी और सी एक्स, इसके पहले भी क्लास में तुम सभी को बोले थे कि याद कर लाना है, याद रहेगा तभी बनेगा, कोई पूछ देगा बताओ एक्स का वैल्यू कितना होता है, एक्स का वैल्यू कितना होता है जानोगे तभी ना बता पाओगे कि एक्स का वैल्यू कितना होता है, एक्स का वैल्यू जानोगे टेन तो टेन बोल देंगे, ठीक है
क्या है हिंदू ऑर्बिट नोटेशन, इसमें बॉक्स में क्या बालोगे ध्यान दो, एक्स का वैल्यू कितना होता है 10 होता है, एक और एक्स है ना तो डबल एक्स हो गया था यानी 20 हो गया, और वी का वैल्यू कितना होता है 5 होता है, तो डबल एक्स और वी यानी एक्स का वैल्यू 10, एक्स का वैल्यू 10 और वी का वैल्यू 5, तो 20 ये हो गया और वी का वैल्यू 5, तो 20 प्लस 5 कितना हो जाएगा 25, तो 25 फिलअप कर दोगे। किसी को प्रॉब्लम है क्या कुछ बोलो, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना। चलो नेक्स्ट आगे देखो, ये क्या है आई है और वी है, तुम जानते हो आई का वैल्यू कितना होता है 1 होता है और वी का वैल्यू 5 होता है, कभी बताया था कि अनदर पार्ट्स क्या है, अनदर वाला क्या है ग्रेटर रहे और फर्स्ट वाला स्मॉलर रहे, तो उसमें क्या कर देंगे अनदर वाले से फर्स्ट वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इक्वल टू करके जितना आएगा उतना लिख देंगे कि आंसर है, उतना सही होगा ठीक है। तो अनदर कितना है वी है, तुम सबको बताया है कि वी का वैल्यू कितना होता है, तुम सभी लोग जानते हो कि वी का वैल्यू 5 होता है सर, होता है ना, इसके पहले आई है, आई स्मॉलर है ना वी से, वी से स्मॉलर है तो क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यदि बताओ बाबू वी से यदि यहाँ ग्रेटर रहे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, कल बताया था तुम सबको यदि वी से अनदर से फर्स्ट वाला ग्रेटर रहे तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे नहीं ना, प्लस करते हैं, लेकिन यहाँ क्या है स्मॉलर है अनदर से फर्स्ट वाला क्या है स्मॉलर है, तो अनदर क्या है वी है ना, वी का वैल्यू तुम सभी लोग जानते हो वी का वैल्यू क्या होता है 5 होता है और आई का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो 5 सबट्रैक्ट 1 करोगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसमें 4 भर दोगे, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं ना बोलो, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना। चलो आगे देखो, ये क्या है एक्स है, क्या है एक्स है, तुम सभी लोग जानते हो कि एक्स का वैल्यू कितना होता है तो 10 होता है ठीक है, इसके बाद क्या है आई है, आई का वैल्यू 1 होता है और यहाँ क्या है एक्स है, एक्स का वैल्यू 10 होता है, तुम सभी को रूल्स में बताए थे यदि अनदर पार्ट्स वाला क्या है अनदर ग्रेटर रहे और फर्स्ट वाला स्मॉलर है तो सब ट्रैक कर देते हैं ना, तो 10 हो गया, ये एक्स का वैल्यू 10 होता है, 1 का वैल्यू आई का वैल्यू 1 होता है, तो 10 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 10 और 9 कितना हो जाएगा 19, यहाँ तक किसी को बच्चा को दिक्कत नहीं ना है या समझने में कोई ऐसा लड़का है जिसको प्रॉब्लम हो रहा है नहीं ना बाबू बोलो, यदि किसी को प्रॉब्लम होगा बोलेगा सर मुझे नहीं आ रहा है आपकी बातें समझ में नहीं आ रही है, फिर से बताएंगे ठीक है। आगे देखो क्या है एल है, एल का वैल्यू बताए थे कुछ, एल का वैल्यू कितना होता है बताओ ठीक है 50, एल का वैल्यू कितना होता है 50 और बी का वैल्यू कितना होता है 5 होता है, तो 50 प्लस 5 कितना हो जाएगा 55, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को 55 हो गया, बोलो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं ना। आगे देखो क्या, ये क्या है सी है, क्या है सी, सी का वैल्यू तुम सभी लोग जानते हो सी का वैल्यू कितना होता है 100 होता है, तो 100 लिख देंगे, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना, यदि किसी को दिक्कत होगा तो बोलेगा सर कि मुझे दिक्कत है ठीक है, क्या है दिक्कत है। आगे देखो सी है, सी का वैल्यू तो अभी तुम सब जाना कि 100 होता है सर, लेकिन सी के बाद भी कोई है एक्स है, एक्स का वैल्यू कितना होता है 10 होता है, तो 100 और 10 कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम किसी को दिक्कत कुछ नहीं ना, किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, सारे दोनों समझ गए ना एग्जाम्पल, यानी क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को प्रॉब्लम नहीं है। चलो नेक्स्ट आगे देखो क्या है, ये मिटा दे, चलो आगे देखो, समझने में दिक्कत नहीं है किसी को बाबू, क्वेश्चन नंबर 2 है क्या है ध्यान दो, राइट डब्ल्यू आर सॉरी डब्ल्यू आर आई क्या है डब्ल्यू आर आई टी ई राइट द पी एस ई द राइट द राइट द राइट द नंबर्स क्या राइट द नंबर्स एन यू एम बी ई आर एस राइट द नंबर्स इन रोमन राइट द नंबर्स इन रोमन आर ओ एम ए एन रोमन नोटेशन एन ओ टी ए टी आई ओ एन रोमन नोटेशन, यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है बोलो क्या लिखा हुआ है राइट द नंबर्स इन रोमन नोटेशन, किसी को प्रॉब्लम आपको नहीं है। चलो एग्जाम्पल नंबर 1 देखो क्या है, एग्जाम्पल नंबर क्या करना है 1 देखो क्या है ठीक है, इसमें पहले हिंदू एच आई एन डी यू
हिंदू अरबिक ए आर ए बी आई सी हिंदू अरबिक नोटेशन सॉरी हिंदी सॉरी हिंदू अरबिक नो न्यूरल्स क्या है हिंदू अरबिक नो न्यूरल्स एल यू एम ई आर ए एल एस क्या है हिंदू अरबिक न्यूरल्स और सेकेंड क्या है रोमन रोमन नोटेशंस रोमन नोटेशंस आर ओ एम ए एन रोमन नोटेशंस एन ओ टी ए टी आई ओ एन एस रोमन नोटेशंस ठीक है क्या करेंगे सबसे पहले बॉक्स बनाएंगे ना फर्स्ट वाला में भी यही किए थे ऐसे बना लिए किसी को दिक्कत नहीं है चलो इसको भी ये दो पार्ट्स में बना लेंगे ठीक है हो गया ना बाबू इसको बीच में क्या करेंगे ऐसे करेंगे ठीक है ये हो गया ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे ठीक है हो गया चलो ध्यान दो आए क्या है मान लीजिए 21 है ठीक है 26 है इसके बाद 30 है इसके बाद 14 है इसके बाद 16 है इसके बाद 25 है ध्यान दो क्या करते हैं ये क्या में दिया हुआ है बाबू जो दिया हुआ है तो क्या में दिया हुआ है हिंदू अरबिक न्यूमरल्स में दिया हुआ है ठीक है और लिखना क्या है रोमन नोटेशंस लिखना है कि इसका सिंबल क्या होता है 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 और इसका सिंबल क्या होता है जानोगे तभी ना लिख पाओगे क्या लिखना है दिया हुआ है क्या में रोमन अरबिक न्यूमरल्स में दिया हुआ है लिखना क्या में है रोमन नोटेशंस में लिखा हुआ है तो सबसे पहले बताओ 21 है ना 21 तो 21 क्या करते हैं सबसे पहले ध्यान दो 21 है तो 21 को क्या कर सकते हो 20+1 कर सकते हो बाबू यहाँ देखो 20+1 किसी को प्रॉब्लम नहीं है मान लिया जाए 20 को भी ऐसे करेंगे कि 10+1 कर सकते हैं बोलो 21 है 20+1 कर सकते हैं इसके बाद 10+1 कर सकते हैं चलो तुम बताओ 10 का वैल्यू कितना होता है 100 होता है किसी को दिक्कत नहीं ना चलो फिर देखो एक्स टेन का वैल्यू क्या होता है एक्स होता है तो एक्स लिख दिए फिर वन का वैल्यू कितना होता है आई होता है अब तीनों को ऐड करो तो क्या हो जाएगा देखो एक्स प्लस एक्स तो डबल एक्स हो जाएगा ना डबल एक्स और आई का वैल्यू क्या है आई है ना तो आई हो जाएगा यानी डबल एक्स आई तो 21 का क्या हो गया डबल एक्स आई कैसे बनेगा पता चला 21 है तो 20+1 कर सकते हो 20 का क्या कर सकते हैं 10+10+ कर सकते हैं अभी वन का जानते ही हो क्या होता है आई होता है क्या होता है आई होता है ठीक है कोई प्रॉब्लम तो 10 का क्या होता है एक्स 10 का क्या होता है एक्स और वन का क्या होता है आई हो गया अब तीनों को क्या कर दिए ऐड कर दिए कुछ नहीं किए क्या किए ऐड किए डबल एक्स आई हो गया किसी को प्रॉब्लम नहीं ना तो इसमें क्या कर देंगे फिलअप कर देंगे डबल एक्स और आई चलो फिर देखो आगे क्या है इसमें दिक्कत नहीं ना किसी को बोलो किसी को प्रॉब्लम है आगे है 26 क्या है 26 इसको ऐसे कर सकते हो बाबू 20+6 बोलो 20+6 कर सकते हो क्या कर सकते हो 20+6 तो सबसे पहले बताओ 20 का होता क्या है तो 20 का और एक्सपेंड कर सकते हो एक्सपेंड मतलब फर्स्ट ही क्लास में बता देगा एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है तो 20 को एक्स 10+6 कर सकते हो बोलो 10+10+6 कर सकते हो ना तुम जानते हो कि 10 का क्या होता है एक्स होता है एक्स कर दिए 10 का क्या होता है x होता है और 6 का तो जानते ही हो vi होता है अब तीनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा डबल x और vi ऐसे ही समझ आओगे ना क्या हो जाएगा डबल x vi बन जाएगा ऐसे ही कोई प्रॉब्लम किसी को दिक्कत नहीं ना चलो आगे देखो चलो ध्यान दो आगे क्या है 30 है क्या है 30 है क्या है 30 मतलब क्या होता है 30 होता है 30 क्या कर सकते हैं 10+10+10 कर सकते हैं कर सकते हैं ना 10+10+10 चलो ध्यान दो 10 का क्या होता है एक्स होता है प्लस एक्स होता है ना फिर 10 का एक्स होता है फिर 10 का क्या होता है एक्स होता है समझ गया यानी एक्स प्लस एक्स डबल एक्स हो गया और डबल एक्स प्लस एक्स ट्रिपल एक्स हो गया एक्स हो गया एक्स हो गया एक्स हो गया यानी ट्रिपल एक्स बन गया क्या हो जाएगा 30 का ट्रिपल एक्स हो जाएगा समझ गया ना बाबू किसी को समझने में प्रॉब्लम हुआ आगे क्या 14 है क्या 14 इसको समझ गया ना कैसे लिखा जाता है 14 देखो 14 है 14 इसको क्या कर सकते हो तुम बताओ बाबू तुम कैसे लिख सकते हो इसको बोलो क्या बोला 10+4 ठीक है क्या लिख सकते हैं 10+4 चलो अब बताओ तुम सभी लोग जानते हो कि 10 का वैल्यू कितना होता है सॉरी 10 का रोमन नोटेशन कितना होता है एक्स होता है क्या होता है एक्स और 4 का जानते हो क्या होता है आई भी होता है आई भी अब बताओ ये दोनों को प्लस कर दोगे ना
तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस आई बी है तो एक्स आई बी हो जाएगा। बोलो ये प्रॉब्लम हुआ किसी को तो क्या लिख देंगे एक्स आई बी हो गया एक्स आई बी। यहाँ तक दिक्कत नहीं है किसी को। चलो आगे देखो क्या है ये तो समझ गया होगा। आगे फिर देखो क्या है 16 है 16 ठीक है। तो 16 को क्या कर सकते हैं 10 प्लस 6 लिख सकते हो। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना है क्योंकि फर्स्ट क्लास में ही बताया था कि एक्सपेंड कैसे किया जाता है लिख सकते हैं। तो बताओ अब 10 का वैल्यू 10 का रोमन नोटेशंस क्या होता है तो एक्स होता है एक्स लिख दिए। चलो 6 का क्या होता है वी आई होता है जानते हो ना सब एक्स वी आई। अब बताओ दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा एक्स वी आई हो जाएगा समझ गया। इसमें फिलअप कर दोगे ना एक्स वी आई बन गया ये। चलो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। आगे देखो क्या है आगे देखो 25 है क्या है 25 इसको क्या कर सकते हो 20 प्लस 5 कर सकते हो 20 प्लस 5। चलो ध्यान दो 20 का क्या कर सकते हो 10 प्लस 10 कर सकते हो आप प्लस 5 कर सकते हो। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तुम सभी लोग जानते हो कि 10 का रोमन नोटेशंस क्या होते हैं एक्स होता है क्या होता है एक्स होता है। फिर यहाँ 10 है ना 20 में क्या है प्लस है तो एक्स हो जाएगा यहाँ। फिर 5 है तो 5 का नोटेशन क्या होता है वी होता है ना। चलो और बताओ एक्स प्लस एक्स तो कितना एक्स हो जाएगा डबल एक्स हो जाएगा तो डबल एक्स कर दिया। और फिर एक और कौन बच रहा है वी बच रहा है यानी वी को भी लिख दोगे तो क्या हो गया डबल एक्स और वी डबल एक्स और क्या हो गया वी हो गया। कोई प्रॉब्लम याद है किसी को समझ गया बोलो किसी को दिक्कत नहीं ना क्या फर्स्ट एग्जाम्पल में किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा ठीक है। एक और एग्जाम्पल देख लो ठीक है ना फर्स्ट में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। सेकेंड एग्जाम्पल भी देखो क्या है सबसे पहले क्या करेंगे हिंदू एच आई एन डी यू हिंदू अरबिक ए आर ए बी आई सी अरबिक क्या है न्यूमरल्स एन यू एम ई आर ए एल एस न्यूमरल्स ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। नीचे क्या बताएंगे रोमन नोटेशंस बताएंगे क्या बताएंगे रोमन नोटेशन ए एन ओ सॉरी नोटेशंस एन ओ टी ए टी आई ओ एन एस रोमन नोटेशंस क्या बनाएंगे बॉक्स बनाएंगे। ये सभी लोग तुम सब जान गया ना क्या करेंगे बॉक्स बनाएंगे ऐसे लंबा सा बना दिए बाबू बोलो दिक्कत नहीं है किसी को। यहाँ से ऐसे करेंगे ठीक ना इसको ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे ठीक है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है नहीं ना। सबसे पहले देखो क्या आया 28 है ठीक है 35 है यहाँ 16 है यहाँ 21 है यहाँ 40 है ठीक है क्या है 40। सबसे पहले 28 है 28 कैसे लिखेंगे ध्यान दो 28 है तो इसको कर सकते हो 20 प्लस 8 कर सकते हो बाबू बोलो 20 प्लस क्या कर सकते हैं 8 कर सकते हैं। तो बताओ 20 का क्या होता है 20 को और क्या एक्सपेंड कर सकते हो 10 प्लस 10 कर सकते हो ना अब प्लस 8 हो जाएगा। बोलो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं ना। अच्छा ध्यान दो 10 क्या 10 का वैल्यू क्या होता है एक 10 का रोमन नोटेशन क्या होता है एक्स होता है प्लस 10 का रोमन नोटेशन एक्स होता है और 8 का तो जानते ही हो वी ट्रिपल आई होता है जानते हो ना और सबको एक साथ लिख देंगे। तो बताओ यहाँ क्या है एक्स है ये क्या है एक्स है और ये क्या है वी ट्रिपल आई है हो गया। बोलो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं ना। तो यहाँ क्या कर देंगे डबल एक्स वी ट्रिपल आई हो गया। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं ना। चलो आगे देखो क्या है समझ आ रहा है समझ में आ रहा है ना सभी को 35 है क्या है 35 है 35 है तो बताओ 30 प्लस 5 कर सकते हो 30 प्लस 5 बोलो किसी को प्रॉब्लम 30 प्लस 5 कर सकते हैं। तो 30 को क्या कर सकते हो 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5 कर सकते हो ना। तो बताओ 10 का रोमन नोटेशन क्या होता है एक्स होता है फिर क्या होता है एक्स है फिर क्या है एक्स है फिर क्या है प्लस 5 का क्या होता है वी होता है। अब तीनों को साथ चारों को साथ में लिखोगे एक साथ तो एक्स हो गया ये क्या है एक्स है एक्स कर दिए ये क्या है एक्स है एक्स कर दिए ये क्या है वी है तो ट्रिपल एक्स वी हो गया। किसी को प्रॉब्लम नहीं ना। तो इसमें क्या कर देंगे ट्रिपल एक्स और वी हो गया ना बाबू किसी को दिक्कत। आगे क्या है 16 है 16 तो इसको 10 प्लस 6 कर सकते हो। बोलो 10 का रोमन नोटेशन क्या होता है एक्स होता है और 6 का क्या होता है वी आई होता है। अब एक साथ लिखो एक्स हो गया वी आई हो गया बन गया किसी को दिक्कत एक्स और वी आई बन गया ना किसी को दिक्कत नहीं ना। चलो आगे देखो क्या है 21 है तो 20 प्लस 1 कर सकते हो 20 को 10 प्लस 10 प्लस 1 कर सकते हो
बोलो 10 का रोमन नोटेशन क्या होता है, एक्स होता है, फिर एक्स है, फिर आई हो जाएगा, ऐसे ही बन जाएगा डबल एक्स, एक साथ लिख दो आई 21 हो गया, डबल एक्स और आई होता है, ठीक है। और तो 40 का तो बता ही था क्या होता है, 40 का बोलो एक्सेल होता है ना, 40 का एक्सेल होता है, ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं ना। चलो आगे देखो, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होगा, किसी को प्रॉब्लम नहीं है बाबू। चलो आगे ध्यान दो क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फिल इन विथ ग्रेटर और स्मॉलर, ठीक है, क्या करना है, फिल इन विथ ग्रेटर और स्मॉलर, ये सभी लोग जानते हैं। फॉर एग्जांपल वन देखो, एक्स ब्लैंक्स या भी, ठीक है, एक्स ब्लैंक्स भी, तुम सभी लोग जानते हो कि एक्स का रोमन नोटेशन क्या होता है, रोमन नोटेशन क्या होता है, 10 होता है, और बीच में क्या है वैल्यू, सॉरी बॉक्स बना देना, और भी का वैल्यू कितना होता है 5। अब तुम बताओ 10 ग्रेटर है या 5 ग्रेटर है, कारण 5 ग्रेटर है या 10 ग्रेटर है, 10 ग्रेटर है, तो 10 ग्रेटर कर देंगे, ठीक है, एक्स ग्रेटर हो गया ना 10, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स ग्रेटर हो गया किससे, 5 से ग्रेटर हो गया, किसी को प्रॉब्लम नहीं ना। चलो आगे देखो बी क्या है, एग्जाम्पल बी देखो, डबल एक्स क्या है, डबल एक्स आई एक्स बॉक्स है, बॉक्स बनाया हुआ है, उसके बाद क्या है ट्रिपल एक्स है, क्या है ट्रिपल एक्स, तुम सभी लोग जानते हो, क्या जानते हो, तुम सभी लोग जानते हो एक्स का वैल्यू, एक्स का रोम, एक्स का वैल्यू कितना होता है 10 होता है, तो कितने एक्स है, डबल एक्स है, तो 20 हो गया, 20 हो जाएगा, और प्लस ये क्या आई एक्स का वैल्यू कितना होता है 9 होता है, बॉक्स हो गया ट्रिपल एक्स है ना, तो एक्स का वैल्यू 10 प्लस 10 प्लस 10, और बताओ ये क्या हुआ 20 प्लस 9 कितना होता है 29 होता है, ये बॉक्स बना हुआ बीच में 10 10 10 यानी 30 हो जाएगा, तो बताओ 29 ग्रेटर है या 30 ग्रेटर है, कौन ग्रेटर है, 30 ग्रेटर है, तो 30 की तरफ कर देंगे, यानी डबल एक्स आई एक्स है, क्या कौन सा ग्रेटर है, ट्रिपल एक्स ग्रेटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, किसी को समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, ये केवल समझाने के लिए बताया है कैसे लिखा जाता है, तुम डायरेक्ट भी बना सकते हो, ठीक है, क्या कर सकते हो डायरेक्ट यहाँ तुम फिलअप कर सकते हो, लेकिन हम समझाने के लिए ऐसे बताया है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देख लो सी, क्या है सी एग्जाम्पल देख लो, डबल एक्स बी, ये क्या है बीच में बॉक्स है, इसके बाद डबल एक्स आई, क्या है डबल एक्स आई है, सबसे पहले बताओ एक्स का वैल्यू कितना होता है, तुम सभी लोग जानते हो एक्स का वैल्यू 10 होता है, तो 10 हो गया, अब एक और एक्स है ना, तो 10 हो गया, बी का वैल्यू कितना होता है 5 होता है, तो 5 कर दिए, बीच में बॉक्स बना दिए, और एक्स का वैल्यू कितना होता है 10 होता है, फिर एक्स का वैल्यू कितना होगा 10 होगा, और आई का वैल्यू कितना होगा 1 होगा, हो गया ना, समझने में किसी को दिक्कत नहीं हो रहा है। चलो आगे देखो 10 है और 10 है, 10 10 20 हो गया, 20 प्लस क्या करेंगे 5 करेंगे, बॉक्स 10 और 10 20 20 प्लस 1, समझ रहे है। चलो आगे देखो 20 और 5 कितना होगा 25, बीच में क्या है बॉक्स है, 20 और 1 कितना होगा 21 होगा, 25 ग्रेटर है कि 21 ग्रेटर है, कौन सा ग्रेटर है 25 ग्रेटर है, 25 ग्रेटर है तो 25 की ओर हो जाएगा ग्रेटर, ठीक है, कौन बड़ा है एक्स डबल एक्स भी बड़ा है ग्रेटर है या डबल एक्स आई ग्रेटर है, कौन सा ग्रेटर है डबल एक्स भी ग्रेटर है, सभी लोगों को समझ में आ गया होगा ना, सभी लोगों को समझ में आ गया होगा या नहीं आ रहा है बोलो, सभी लोगों को शायद समझ में आ गया होगा क्या, क्योंकि हमको मुझे अनुमान है कि सभी लोग समझ गए होंगे और अच्छे से बना लेंगे ना, किसी को प्रॉब्लम नहीं ना है। चलो आगे देखो क्या है, होमवर्क कुछ दे रहे हैं जो बनाकर लाना है, ये सारा समझ गया ना, ये केवल जैसे बताया है कि एक्स का वैल्यू 10 होता है, एक्स का वैल्यू 10 होता है, बी का वैल्यू 5 होता है, ये केवल समझाने के लिए बताया है, तुम ऐसे ही बना सकते हो, लेकिन हम क्या किए हैं तुम सबको समझने के लिए ऐसे बताए हैं ताकि तुम सब अच्छे तरीके से समझ लो, ठीक है, यदि किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोल सकता है कि सर मुझे प्रॉब्लम है, नहीं है किसी को। चलो आगे देखो क्या है, घर से बनाकर लाना है, जो दे रहे हैं कहाँ से बनाकर लाना है, घर से बनाकर लाना है, बन जाएगा ना सबको, दे रहे हैं देखो, यहां तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है कुछ, यहां तक किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, आगे देखो क्या है, Thank you.
क्या दे रहे हैं, होमवर्क करना है। एच ओ एम ई होम डब्ल्यू ओ आर के होमवर्क का तो मालूम है सबको कि होमवर्क का मतलब क्या होता है, ग्रीक कार्य होता है। क्या होता है, ग्रीक कार्य। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट है क्या, राइट द डब्ल्यू आर आई टी ई, राइट द नंबर्स एन यू एम बी ई आर एस, राइट द नंबर इन हिंदू एच आई एन डी यू हिंदू अरबिक ए आर ए बी आई सी अरबिक हिंदू अरबिक नोटेशन एन ओ टी ए टी आई ओ एन हिंदू अरबिक नोटेशन। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम क्वेश्चन नंबर वन ये देखो क्या है, रोमन आर ओ एम ए रोमन नोटेशन एन ओ क्या सॉरी रोमन न्यूमरल्स होगा ना, रोमन क्या होगा, रोमन न्यूमरल्स एन यू एम ई आर ए एल एस रोमन न्यूमरल्स फर्स्ट है, फिर नीचे क्या हो जाएगा हिंदू एच आई ए डी यू हिंदू अरबिक ए आर ए बी आई सी हिंदू अरबिक नोटेशंस हिंदू अरबिक नोटेशंस ये कैपिटल लेटर होगा एन ओ टी ए टी आई ओ एन एस। ठीक है, इसको क्या करेंगे ऐसे बॉक्स बनाएंगे, तो देखो क्या है सारे जो बताए क्लास में वो तो सारे लोगों को समझ में आ गया होगा, उसी के आधार उसी के बेस पे क्या है बनाकर लाना है। ठीक है, होमवर्क है, होमवर्क का मतलब सभी लोग जानते हो क्या होता है, ग्रीक कार्य होता है, एच ओ एम ई होम डब्ल्यू आर के होमवर्क सब लोग जानते हो ना। सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन तो बताया सभी लोगों को, राइट द नंबर इन हिंदू अरबिक नोटेशन ये सब लोग जानते हो ना, जैसे रोमन न्यूमरल्स क्या दिया हुआ है वी आई का मतलब वी आई का रोमन सॉरी हिंदू अरबिक नोटेशन क्या होता है बोलो, जो होता है सिक्स होता है, ऐसे ही सबके भर देना हो जाएगा, फिलअप कर दोगे ना। चलो सेकेंड देखो क्या है, राइट द नंबर इन रोमन नोटेशन, सबका क्या करना है रोमन नोटेशन भरना है। फर्स्ट का देखो क्या है, हिंदू अरबिक न्यूमरल्स दिया हुआ है 24, तो 24 का 24 का रोमन नोटेशन क्या होता है, तो डबल एक्स आई भी होता है, ऐसे ही बन जाएगा ना सबका, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट देखो क्या है, फिल इन विथ ग्रेटर देन स्मॉलर देन और इक्वल टू। ठीक है, जो बड़ा रहेगा उसको ग्रेटर देन करेंगे, जो छोटा जो बड़ा रहेगा उसको ग्रेटर देन छोटा है स्मॉलर देन और जो इक्वल रहेगा उसको इक्वल टू हो जाएगा ना। जैसे देखो डबल एक्स तुमको समझाया भी थे कि x का वैल्यू 10 होता है और x का वैल्यू 10 होता है, तो एक 10 और 10 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, जिसको जैसे समझाया तो वैसे ही बना सकता है, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकता है। तो डबल x 20 हो गया, और इस साइड क्या है वी आई, वी का वैल्यू कितना होता है 5 और i का वैल्यू 1, तो 5 और 1 कितना 6, तो 20 ग्रेटर है कि 6 ग्रेटर है, 20 ग्रेटर है तो 20 ग्रेटर कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही सारा बन जाएगा ना, आई भी है और भी है, आई भी क्या होता है तुम समझो, एक्स भी है और डबल एक्स है, समझ आना कौन ग्रेटर है, ये भी समझ जाएगा, एक्स एल का मतलब क्या होता है, एल का मतलब क्या होता है, जो ग्रेटर रहेगा उसको ग्रेटर कर देंगे, ऐसे ही सारा हो जाएगा ना, सबको बन जाएगा ना, पूरा कंप्लीट कर लाना है।